बहुत से भाइयों को कमेंट और मैसेज आ रहे हैं भाई बॉर्डर बारे अपडेट डालो, बॉर्डर के लिए अपडेट डालो। तो भाई इन्होंने जो ऐप लॉन्च किए हैं C4 चेन्नई एक्सप्रेस, B4 बॉम्बे एक्सप्रेस और P4 पटना एक्सप्रेस, CBP1 एक ऐप है जो गूगल प्ले एंड एप्पल स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आप उसको डाउनलोड करें, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, मस्ट है। अगर उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा बिना इंटरव्यू के ही। अगर आप उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका इंटरव्यू होगा, ये मस्ट है, इन्होंने कहा है ये मस्ट है। अभी हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो ये कह रहे हैं, जो न्यूज़ में आ रहा है उसी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो जो इनकी ऐप है उसका मैं पिछली उसमें लिंक वीडियो डालना भूल गया, उसमें वीडियो दोबारा एडिटिंग नहीं हुआ, तो मैं इस वीडियो में आप उसका लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर ले। और जो भाई आ रहा है, एक जिस भाई को प्रॉब्लम है वो आ सकता है और उस ऐप में रजिस्ट्रेशन करके दीवार क्रॉस करे, और इलीगल तरीके से दीवार क्रॉस करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे एक एंट्री होती है लीगली अमेरिका में बॉर्डर की, आप वहाँ से एंट्री लें ऐप में रजिस्ट्रेशन करके, वो आपको एंट्री देंगे। दीवार कूदने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को चोट लग जाती है, बहुत ऊंची दीवार होती है, किसी की टांग टूटती है, किसी को रस्से से कूदते हाथ छिल जाते हैं, तो ऐसे गलत तरीके से भाई ट्राई ना करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, समझ में आई। तो ये ऐसे मतलब एजेंटों के चक्कर में आके दीवारें मत कूदारो भाई, बहुत से बच्चों की देखे हाथ पैर टूट जाते हैं दीवार से कूदते टाइम, तो गलत तरीके का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लीगल तरीके से आए बॉर्डर पे, जहाँ पे पुलिस अमेरिकन आर्मी होती है वहाँ पे जाके सेंटर कर दें, आप ऐप में रजिस्ट्रेशन करा के वो आपको लेके जाएंगे कैंप में, और आपको जो भी तरीका होता है इनके पास वो उसके आपसे गुजारेंगे। अगर आप सही हैं, आपके पास प्रूफ है, आपको कोई प्रॉब्लम थी आपकी कंट्री में, तो वो आपको एंट्री देंगे 100%। लेकिन अगर आप केवल घूमने के लिए या इंजॉय करने के लिए इंस्टाग्राम पे रील देख के अमेरिका भाग रहे हो, तो ऐसा नहीं है भाई कि अमेरिका कोई भी आएगा ये डिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले साल बहुत से लोग आ गए, 2.5 लाख के करीब लोग आ गए, और केवल इंडिया से नहीं आए, इंडिया पाकिस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया से आए हैं। और जो 60-70 हज़ार जो बॉर्डर पे लोग हैं वो भी पूरी दुनिया के हैं, ना कि इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश उनके हैं वहाँ से। तो हम इंडिया से आने वाले तो बहुत कम है, बहुत कम, हम तो ये लगा लो 1-2% है बस, 60 हज़ार में 2% होंगे, आपको दिख रहा है इतने लोग जाते हैं, कोई नहीं जाता, 60 हज़ार में 1-2% होंगे इंडियंस, बाकी सब के सब जो दूसरी कंट्री है उनके होते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर बारे ये अपडेट है भाई, CBP1 ऐप डाउनलोड कर ले जरूर, जो भाई आ रहा है, और उस ऐप में रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद ही दीवार एंट्री लें अमेरिका में, नहीं तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा 101%। और कुछ भाई पूछ रहे हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा बार बार कि जो ये जो नए कानून है, जो एक तो टाइटल 42 से भाई हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, टाइटल 42 का हमें कोई नुकसान नहीं है, पहले तो बात क्लियर कर लो। टाइटल 42 तो सरकार को नुकसान है, क्योंकि टाइटल 42 हटने से ज़्यादा लोग अंदर आ सकते हैं, ठीक है, उसका हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ट्रांजिट बैन का नुकसान है, ट्रांजिट बैन में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उससे तो आपको वापस करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन ये आ रहा है कि बार बार पूछ रहे हैं कि भाई जो लोग लीगल तरीके से आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे या फिर H1 पे, उनके लिए क्या क्या कानून में कुछ नया है क्या? उनमें उनके लिए उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है भाई, वो जैसे पहले आते थे वैसे आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं कहीं भी, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो कानून ये लेके आए हैं ये केवल जो बहुत सारे लोग अमेरिका में आ रहे हैं उनको रोकने के लिए लेके आए हैं। टाइटल 42 तो इन्होंने हटाया है और ट्रांजिट बैन इन्होंने लगाया है, ठीक है। तो एक कानून तो हटाया है, एक लगाया है, ठीक है, तो एक हटाया और एक लगाया, ये हुआ बस, इससे ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है अभी तक। आगे कोई अपडेट आएगी तो बता दूंगा। बहुत सारे मैसेज आते हैं भाई, सबके रिप्लाई नहीं कर पाते, टाइम का बड़ा फ़र्क है, यहाँ पे हम आपसे करीबन 10-10.5 घंटे पीछे हैं। आपकी सुबह होती है हमारी रात हो जाती है, हमारी सुबह होती है तो आपकी रात हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कोशिश करें, आप मेरे को मैसेज डायरेक्ट मैसेज भेज दें, मैं मैसेज पढ़ के हर एक तो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 100-100 मैसेज आते हैं तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सेम से ही होते हैं, तो मैं वीडियो एक बना दूंगा सब जिसके जिस भाई का जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड, और आप वीडियो देख लें और आप अपनी जानकारी अपडेट रखें। थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय अमेरिका।